हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं झटपट तरीके से मटन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 1 किलो मटन लिया है, बिल्कुल फ्रेश मटन, जिसको पानी से अच्छे धोकर साफ कर लिया, ये देखिए। और इसको जो है झटपट बनाने की विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। मात्र 15 मिनट के अंदर जो है आप फटाफट अपने घर पर मटन बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट मटन कुकर के अंदर। तो सबसे पहले ही वहाँ पर हमने मटन ले लिया है, उसके बाद ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको हमने बारीक कट कर लिया है, ये 40 से 50 के लिए लहसुन की जिनको पीस लिया हमने, ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, तो ये मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुकर यहाँ पर रख दिया गैस के ऊपर, कुकर गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले डालेंगे तेल। तो यहाँ पर हमने बड़ी वाली चम्मच लिए हैं तेल की, तो ये 1 चम्मच डाल दी है, और ये 2 चम्मच। तो 2 चम्मच जो है सरसों का तेल डालना है हमें, और तेल को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स अब डालेंगे इसके अंदर हम प्याज। तो ये देखिए प्याज डाल दिए हैं, और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर बिल्कुल थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे प्याज को हम। तो प्याज थोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब डाल देंगे इसके अंदर हम मटन। तो ये देखिए दोस्तों मटन डाल दिया है। मटन को अच्छे से फ्राई करना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स मटन फ्राई हो रहा है, तो इसे हम 5 से 6 मिनट तक जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल के अंदर। दोस्तों अब डालेंगे इसके अंदर हम हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, और इसे मिक्स कर देंगे। हल्दी को अच्छे से पका लेना है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, हल्दी को बिल्कुल अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हल्दी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है मटन के अंदर, पक चुकी है। अब डालेंगे इसके अंदर मिर्ची पाउडर 2 छोटी चम्मच, यहाँ पर हम मिर्ची पाउडर डालने वाले हैं। तो मिर्ची पाउडर डाल दिया है, इसको मिक्स कर देंगे। डाल देंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच। इसको भी मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। ये देखिए इतना नमक डालेंगे हम, और इसको भी मिक्स कर देंगे। और मसाले को अच्छे से पकने देते हैं। अब डाल देंगे लहसुन का पेस्ट।
इसको भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मसाला बिल्कुल पक चुका है। ग्रेवी देखिए कितनी बहुत ही शानदार ग्रेवी बन रही है, अच्छा कलर आ रहा है मटन का। अब डाल देंगे थोड़ा सा पानी, लगभग एक कटोरी पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। मसाले की ग्रेवी जो अच्छे से बनने देते हैं, उसके बाद ही और पानी डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए जो बोटियां हैं इनके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला। बहुत ही झटपट तरीके से जो है दोस्तों मटन बनकर तैयार होने वाला है और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनने वाला है। बिल्कुल सरल विधि है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला पक चुका है। अब डाल देंगे पानी, तो यहाँ पर लगभग हमने जो है 2 ग्लास पानी डालेंगे इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स, तो अब जो है दोस्तों ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कुकर को हमने ऊपर से बंद कर दिया है और अब 3 से 4 सीटी जो है लगने देते हैं। अगर आपको ठीक ठाक पकाना है तो 3 सीटी, वरना जो है बिल्कुल थोड़े अच्छे से पकाना है थोड़ा ज़्यादा तो 4 सीटी लगवा सकते हैं। तो चलिए सीटी लगने देते हैं 3 से 4 सीटी और उसके बाद इसे हम खोलते हैं। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 सीटियाँ लग चुकी हैं और मटन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने कुकर को जो है खोल लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब जो है मटन बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।